नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, वहीं सपा के एमएलसी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और वेल में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी से विधान भवन पहुंचे। सपा विधायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद जो भी गेट बंद थे वहां पर इनका प्रदर्शन शुरू हो गया। हाथ में प्ले कार्ड लेकर सपा के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में भी आराधना मिश्रा, दीपक सिंह और नसीमुद्दीन सहित कई नेता ठेले पर सब्जी, तेल और सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। मुख्य विपक्षी दल सपा की तरफ से सुशील सिंह साजन ने कहा है कि सपा जनविरोधी नीतियों को लेकर सरकार को सड़क से सदन तक घेरेगी। तो यूपी विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। हालांकि 20 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी क्योंकि लगातार विपक्ष का हंगामा जोरदार चल रहा था। विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जताया है। तो मानसून सत्र में कई बिल ऐसे हैं जो पास कराने हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर उन्हें घेरता हुआ नजर आ रहा है। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 20 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार हंगामेदार है, क्या ऐसे में उम्मीद है कि जो बिल पास कराने की तैयारी सरकार कर रही है वो पास हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आज विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मूड बना के आया हुआ है कि वो सदन को चलने ही नहीं देगा, क्योंकि लगातार बहस इसी बात पे चल रही थी कि इसीलिए 20 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ गया। हालांकि कुछ टाइम पहले अभी स्टार्ट हो चुका है सदन और विपक्ष का पूरा तरीके से यही मूड है, जो अनुपूरक बजट आने वाला है उसको वो पास होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी विधानसभा के बाहर सबके लिए बैलगाड़ी है, रिक्शा है और सब्जी, ये सब पहन के पूरा एक बहुत बड़ा रैली भी निकाली थी। हालांकि कांग्रेस भी इस मसले में सामने नजर आई है, उसने भी एक बैलगाड़ी और रिक्शे के साथ हल्ला बोल एक रैली निकाली है। शाम रात भी एक धारा 144 लागू कर दिया गया था और अभी जो है सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन कितने देर चल सकती है ये अभी देखना होगा। बिल्कुल रूबी, अगर तस्वीरों की बात करूं तो तस्वीरें मैं देख पा रही हूं कोरोना काल को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी अजय कुमार लल्लू की है, लेकिन कोरोना काल में अगर यूपी सरकार की बात की जाए तो यूपी सरकार की तारीफ वर्ल्ड लेवल पे की गई है, WHO ने खुद तारीफ की है। तो क्या ये मुद्दा है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए? जी, लगातार कई मुद्दे पे सरकार को घेरने की कवायद की गई है, क्योंकि पहला कोरोना मामले को ही लेकर बुलाया गया कि यूपी सरकार में कोरोना जब हुआ, कोरोना काल में कोई ऐसे काम नहीं किए गए जिससे इतने लोगों की जो जाने गई है। तो मुद्दे कई है, विपक्ष के पास कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है कि इस सदन के अंदर विपक्ष की सरकार को घेरे ना। हालांकि तैयारी पूरी तरीके से है, लगातार हल्ला बोल चल रहा है, मार्शल को भी बीच में आना पड़ा क्योंकि 20 मिनट के जो स्थगित किया गया सदन को, तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा था कि जो मूड है बिल्कुल आर पार की बिल्कुल देखने को मिल रही है। बिल्कुल रूपी, अगर देखा जाए तो ये साल और ये सत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, क्योंकि अब 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं और कार्यकाल जो है वो योगी सरकार का पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आगे कौन किसकी सरकार आएगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक साल बहुत महत्वपूर्ण है और एक साल पूरा बचा भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष जो है वो तमाम बिलों को लेकर बात नहीं कर रहा है, चर्चा नहीं करना चाहता, कैसे अपने बिल सरकार पास कराएगी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शिक्षा को लेकर बात है, किसान को लेकर बात है, महिलाओं को लेकर है, व्यापार को लेकर है, आगे व्यवसाय को बढ़ाने को लेकर बात है, यूपी का विकास करने को लेकर बात है, तमाम चीजें हैं। तो कैसे आप बढ़ावा मिलेगा, कैसे सरकार इन चीजों को पूरा करवा पाएगी? देखिए, सरकार ये बाखूबी जानती है कि ये जो मौका मिला है उसको बस आखिरी मौका है, तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और यूपी विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। अब ये हालातों में यही देखा जा रहा है जो सरकार योगी सरकार वो अब ये मान चुकी है, आखिरी दाव मेरे पास अब इसी को आजमाना है कि अब जो अनुपूरक बजट है इसको किसी भी हाल में वो पास करा ले जाएगी, क्योंकि अब इसको मौका नहीं मिल रहा है। वही जो विपक्ष है पूरी तरीके से इस बात को लेकर है कि अब मौका नहीं मिलना है, अब वो जो भी इनकी पुराने योजनाएं थी जो उन्होंने अपने जो तारीखों के पूरी बांधे हैं, चीजों को जल्द
जनता के सामने लाना चाहते हैं, तो ऐसे में अनुपूरक जो बजट है वो पेश होगा जरूर, लेकिन अब इसके साथ वो कितनी बहुमत के साथ देश को पार करा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि पार्टी में योगी सरकार। बिल्कुल रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र आज शुरू हो चुका है। 20 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा था। अगर सपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सपा कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर नजर आए, और यहाँ पर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, चाहे वो गन्ना किसान का भुगतान करना हो, कोरोना जो काल बना है, ऐसी तमाम चीजें जो है वो तख्ती पर लिखी हुई है, किसानों का बुरा हाल हुआ है, रोजगार दो सरकार, ऐसी तमाम बातें अजय कुमार ये जो पूरी पोस्टर है वो लेकर यहां पर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो गेट बंद थे वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते रहे, पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन यहां पर पुलिस के आगे भी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है 2022, क्योंकि कांग्रेस यहां पर अपनी जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सपा जो है मुख्य विपक्ष के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में सपा के पास तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, और उसकी बानगी आज मॉनसून सत्र शुरू होते हुए नजर आई। यूपी के मैनपुरी में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड की बैठक रखी गई। जिला पंचायत की बैठक में मैनपुरी जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अर्चना भदौरिया से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र प्रताप सिंह की ओर से मैनपुरी का नाम मयन नगर रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में इस प्रस्ताव पर 25 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, जबकि 2 सदस्यों ने नाम बदलने का कारण जानना चाहा। हालांकि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुहर लगने के बाद ये प्रस्ताव जिला पंचायत की ओर से प्रमुख सचिव संस्कृति के यहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद शासन निर्णय लेगा कि मैनपुरी का नाम मयन नगर होगा या फिर मैनपुरी ही रहेगा। तो एक बार फिर से शहरों के नाम बदलने का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, वहीं मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। इसके बाद अब नंबर मैनपुरी का है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी का नाम भी जल्द ही बदला जा सकता है, क्योंकि जिला पंचायत की बैठक में 25 में से 23 लोगों ने नाम बदलने को लेकर वोट दिया, वहीं 2 लोगों ने कारण जानना चाहा कि आखिर क्या कारण है, क्यों नाम बदला चाहिए, मैनपुरी का नाम मयन नगर क्यों रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अलीगढ़ के नाम को लेकर भी चर्चाएं गरम हैं कि अलीगढ़ का नाम भी जल्द बदला जा सकता है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो सकता है। आपको बता दूं कि जब से योगी सरकार आई है तब से तमाम शहरों के नाम बदलने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। पहले इलाहाबाद का प्रयागराज किया गया, तमाम रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है, लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थी, हालांकि अभी उस पर मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन उसके बाद मैनपुरी, अलीगढ़ और आगे जाने कितने शहर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से उस जिले की तस्वीर और तासीर दोनों बदल जाएंगी, क्या वहाँ के जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं, क्या वहाँ रोजगार ज्यादा हो जाएगा, क्या वहाँ विकास ज्यादा होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम व्यक्ति के जहन में हैं, वहाँ की जनता के मन में हैं। फिलहाल जिला पंचायत की बैठक में फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन आगे अब सचिव के पास ये भेजा जाएगा फैसला, आगे वहां से मुहर लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मैनपुरी से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, मैनपुरी का नाम बदलकर मयनपुर करने की तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी का नाम भी अब बदलकर मयन नगर करने का प्रस्ताव जो है जो जिला पंचायत की बैठक में पास हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि करीब 25 लोगों में से 23 जिला पंचायत सदस्यों ने इस बात का प्रस्ताव को पास किया, और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जो मैनपुरी की हैं अर्चना भदौरिया, उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूर कर आगे बढ़ा दिया। हालांकि लगातार प्रदेश की सरकार अलग अलग शहरों के नाम बदलकर उनके नाम का प्रस्ताव जो है कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब मैनपुरी का नाम भी शामिल हो गया है। अगर मयन नगर की बात करेंगे तो मयन नगर का जो एक कारण है वो यहाँ पर शुरू से ही चला आया कि मैनपुरी में जो मयन ऋषि थे उन्हीं के नाम पर ये मैनपुरी जो है पड़ा था, लेकिन अब बावजूद इसके दोबारा से मैनपुरी का नाम मयन नगर होने जा रहा है। जी
चलिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि नाम बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों के नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हैं, कुछ के बदले भी गए हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर अगर मैं इलाहाबाद का नाम देखूं तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। आगे 2 नाम और सामने आ रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी हो चाहे वो अलीगढ़ हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से जो शहर हैं, जो जिले हैं, उनकी तस्वीर और तासीर दोनों बदल जाएंगी, इस बात की क्या गारंटी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो लगातार सरकार की जो है जो नुमाइंदे हैं या जो सरकार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको मैनपुरी का नाम मयन नगर, हालांकि जो मयन ऋषि थे उनके नाम पर तो लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं इन नामों से जुड़ी हुई हैं। जो पुराने लोग हैं वो इन नामों को लेकर जो है संजीदगी दिखा रहे हैं, तो उनके लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है जो लगातार बिल्कुल। यहाँ पर जो 25 में से 23 सदस्य थे उन्होंने ये कहा है कि वो तैयार है और इस पर पूरी तरह से सहमत हैं कि मैनपुरी का नाम बदला जाए, लेकिन 2 ऐसे सदस्य थे उनका ये कहना है कि हमें वजह जाननी है कि क्या वजह है, क्या कारण है कि मैनपुरी का नाम बदला जाए, क्या वो वजह पता चल पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें 23 लोगों ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई है, लेकिन 2 लोगों ने अपना विरोध किया है कि हालांकि जानने का ये जिज्ञासा कही है कि जो है हमें बताया जाए कि किस तरीके से आप लोग जो मैनपुरी का नाम बदलकर मयन ऋषि मयन नगर करने जा रहे हैं। हालांकि अब अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है कि आखिर जो है क्या क्या देख कर ये फैसला भी लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है और ये प्रस्ताव जो है आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मैनपुरी का नाम बदला जाएगा, मैनपुरी का नाम मयन नगर रखा जाएगा। मयन नगर इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर एक मयन ऋषि हुआ करते थे, उनके नाम पर ही जिले का नाम रखा जाएगा। देखिए अब देखना होगा कि कब तक इस पूरे प्रस्ताव पर मुहर, अंतिम मुहर लग सकती है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और एसओजी टीम के लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में एक लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लुटेरा जिले में हाईवे पर महिलाओं के आभूषण लूटा करता था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरे के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। तो पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, गिरफ्तार लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ये महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे और काफी समय से इनकी तलाश पुलिस कर रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। फिलहाल इनके साथियों की भी तलाश की जा रही है क्योंकि एक ही आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, एक ही बदमाश पकड़ा गया है। पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार ऑपरेशन क्लीन जो है वो पुलिस का जारी है। कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पर पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन कई बार बदमाश जो है वो खुद आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं थानों में जाके। इसे ये जरूर कहा जा सकता है कि वाकई भले ही कुछ जगहों पर पुलिस की कार्यशैली उतनी तत्पर या उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन तमाम जगहों पर पुलिस की कार्यशैली अच्छी हो रही है, जिस वजह से समय रहते बदमाश जो हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हापुड़ का एक पूरा मामला जहां पर गढ़मुक्तेश्वर में अब पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी जो साथी भाग गए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। तो काफी दिनों से इनको पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी और आखिरकार देर रात ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में एक सिपाही और दारोगा गांव नूरपुर पिरौनी में इस्लामनगर शहसवान रोड पर गश्त कर रहे थे। उसी समय कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय के नजदीक बैठ गए और शराब पी रहे थे। ये देखकर सिपाही ने उन्हें टोक दिया और कहा कि सार्वजनिक स्थल पर शराब क्यों नहीं पी रहे। और शराबियों में आपस में मारपिटाई भी शुरू हो गई। दारोगा ने बचाने की बहुत कोशिश की मगर दोनों पक्ष आक्रामक रवैया अपना रहे थे। दारोगा ने इसकी सूचना तत्काल थाने पर दी, जहां से थोड़ी ही देर में काफी संख्या में
पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर शराबी भागने लगे। पुलिस ने इनसे कुछ को पकड़ लिया है जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पुलिस की तरफ से शराबियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो शराबियों और सिपाहियों के बीच जमकर मारपिटाई हुई है। शराबियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बदायूं का ये पूरा मामला है जहां पर कुछ शराबी जो है सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए लगातार नजर आते हैं। इसकी शिकायत भी लगातार मिल रही थी। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर सिपाही और दारोगा नूरपुर पिरौनी में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय के नजदीक बैठकर शराब पीते हुए नजर आए। ये देखकर सिपाही ने उन्हें टोक दिया और कहा कि सार्वजनिक स्थल पर शराब क्यों पी रहे हो। इसके बाद सिपाही और शराबी में आपस में जमकर मारपिटाई शुरू हो गई। दारों ने बचाने की कोशिश बहुत की मगर जो पक्ष है वो आक्रामक रवैया अपनाते हुए नजर आए। दारोगा ने इसकी सूचना तत्काल थाने पर दे दी जिसके बाद मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस को देखकर शराबी भागने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस ने इनमें से कुछ को पकड़ लिया है जबकि बाकी आरोपी फरार है। इस मामले में पुलिस की तरफ से शराबियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के नगर निगम के स्वास्थ्य ऑफिस अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर वीरेंद्र पाल और पूर्व स्टोर इंचार्ज मोहन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है। निगम में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन और आई कार्ड की आपूर्ति करने वाली एक फर्म के संचालक से भुगतान के एवज में पैसा मांगने का आरोप लगाया जिस पर प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर विजिलेंस ने तीनों के खिलाफ मेरठ में कई भ्रष्टाचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। गाजियाबाद का ही पूरा मामला है जहां पर डॉक्टर मिथिलेश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार की धाराओं में मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह है कि गाजियाबाद के नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर वीरेंद्र पाल और पूर्व स्टोर इंचार्ज मोहन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि निगम में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन और आई कार्ड की आपूर्ति करने वाली एक फर्म के संचालक से भुगतान के एवज में ये पैसा मांग रहे थे जिस पर प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर विजिलेंस ने तीनों के खिलाफ मेरठ में कई भ्रष्टाचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो डॉक्टर मिथिलेश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। गाजियाबाद का एक पूरा मामला, दरअसल बताया जा रहा है कि इनके साथ तीन और लोग शामिल हैं। पहले स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, उसके बाद पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर वीरेंद्र पाल और पूर्व स्टोर इंचार्ज मोहन कुमार, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि निगम में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन और आई कार्ड की आपूर्ति करने वाली एक फर्म के संचालक से भुगतान के एवज में इन्होंने पैसा मांगा। इन पर यह आरोप लगाया है जिस पर प्राथमिकी जांच में दोषी पाए जाने पर विजिलेंस ने तीनों के खिलाफ मेरठ में कई भ्रष्टाचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो गाजियाबाद का एक पूरा मामला है जहां पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार और पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर वीरेंद्र पाल और पूर्व स्टोर इंचार्ज मोहन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। निगम में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन और आई कार्ड की आपूर्ति करने वाले एक फर्म के संचालक से भुगतान के एवज में पैसा मांगने का आरोप लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला किस तरह से है और कब का है? देखिए, झोल मोल नगर निगम में पिछले काफी समय से चलता आ रहा है। देखिए, कहें कि मेयर है आशीष शर्मा, वो कई मामलों को उजागर भी कर चुकी है। बीजेपी की मेयर है ये आशीष शर्मा, और अब ये एक बड़ा मामला भी सामने आया। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिनका नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार, पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर वीरेंद्र पाल और पूर्व स्टोर इंचार्ज मोहन कुमार, इन सभी के खिलाफ में भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया है, मेरठ में मुकदमा लिखा गया है और अब इन पर कार्रवाई होगी, इनकी गिरफ्तारी भी होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से निगम में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन होती है और आई कार्ड की आपूर्ति करने वाली जो फर्म होती है उससे एक तयशुदा रकम मांगी गई थी और इस रकम के एवज में ही इन्हें काम दिलाने के लिए कहा गया था। बावजूद इसके ये भ्रष्टाचार खुला है और विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों पर मुकदमा लिखा है, या फिर आपकी एक बड़ी बात है क्योंकि तीनों ही बड़े अधिकारी हैं जो कि नगर निगम की कमान संभाले हुए थे। फिलहाल बिल्कुल जितेंद्र, क्या इनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, ऐसी कोई जानकारी?
पार्टियों से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि पहले इन पर जांच हो रही थी, अब एफआईआर दर्ज हुई है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। हालांकि ये गिरफ्तारी जरूर जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए जान पर बड़ा तमाचा है जो पहले से ही यूं कहे कि जो लाइट होती है, जो स्ट्रीट लाइट होती है उनका घोटाला, जो की जस्टिन होते हैं उनका घोटाला और तमाम घोटाले जो की नगर निगम में पहले से होते आए हैं उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा है और उनकी भी गिरफ्तारी जाहिर तौर पर हो, क्योंकि विजिलेंस उन पर भी कार्रवाई जल्दी करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्या ये पहला आरोप इन पर लगा है? इससे पहले भी कुछ शिकायतें मिल चुकी हैं। देखिए इन तीनों पर पहले भी आरोप लगे थे, हालांकि आरोपों पर खंडन कर दिया गया था, लेकिन अब विजिलेंस ने पूरी तरीके से जांच की है और जांच में पूरी तरीके से खुलासा करते हुए विजिलेंस ने इन पर मुकदमा लिखवाया है। चोर इंचार्ज जो है पहले से भी गड़बड़ झाला करता रहा है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का एक बड़ा घोटाला हुआ था और जो डस्टबिन होते हैं वेट डस्ट के लिए और ड्राई डस्ट के लिए वो गाजियाबाद में काफी जगह पर लगाए गए थे, जबकि उनको जल्दी हटा लिया गया था। गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो उनकी गुणवत्ता में भी कमी पाई गई और उस दौरान भी एक बड़ा घोटाला सामने आया था, कहीं ना कहीं स्टोर इंचार्ज तब भी संलिप्त पाया गया था। और अब जो कि ये बायोमेट्रिक मशीन होती है और आईकार्ड की जो एक बड़ी खेप का ऑर्डर जो देना होता है उसमें एक बड़ा घोटाला पाया गया है, घोटाला पाया गया है ये कि इस एवज में कि उनको ऑर्डर दिया जाए और इस तरीके से नगर निगम में ऑर्डर पास करने के एवज में तयशुदा रकम मांगी गई थी, जिसका घोटाला पूरी तरीके से खुल गया है। विजिलेंस के अधिकारियों ने मेरठ में मुकदमा दर्ज कराया और इन तीनों अधिकारियों की जल्दी गिरफ्तारी होगी। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों को ना तो पुलिस का डर है ना ही प्रशासन का डर, लगातार बेखौफ होकर बदमाश लूट हत्या जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीसी बैंक का पेमेंट लेकर जा रहे वृद्ध से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की। वहीं लूट के बाद बदमाशों ने वृद्ध को गोली मार दी। गोली लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया है जहां उसका इलाज चल रहा है। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है जहां पर बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक वृद्ध जो कि बैंक से पैसे लेकर वापस लौट रहा था अपने घर, तभी कुछ बाइक सवार बदमाशों ने गोली के दम पर उससे लूट की और आखिर में उसको गोली भी मार दी। फिलहाल गनीमत ये रही कि बुजुर्ग जो है वो ठीक बताया जा रहा है, तुरंत पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो पीलीभीत में लगातार जो बदमाशों का आतंक है वो बरकरार है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बदमाश बेखौफ है, ना तो पुलिस का खौफ उनमें नजर आता है और ना ही प्रशासन का। और पीलीभीत से मेरे सहयोगी प्रांजल गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रांजल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं पीलीभीत में। जी काजल, आपको बताना चाहेंगे जिस बुजुर्ग के साथ ये घटना घटी है, ये अपने गांव से जो है पूरनपुर बैंक ऑफ इंडिया पैसे निकालने आया था कैश 1,30,000 रुपए। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि 1,25,000 रुपए इसके पास नकद पहले से मौजूद था, टोटल जो रकम थी वो 2,55,000 रुपए की थी। जब ये लौट करके पैसे निकाल करके अपने गाँव जा रहा था तो रास्ते में अज्ञात लोगों ने इसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। भाई पूरे मामले में जो है उसके बाद इसके ऊपर जो है गोली मार के घायल भी किया गया है इसको। पुलिस को पूरे मामले की सूचना थी, मौके पर पहुंची और तत्काल जो है इसको घायल को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल प्रांजल, लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, इसमें पीलीभीत भी है, यहाँ पर बदमाशों का आतंक बरकरार है। बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं, पुलिस अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती है, लेकिन बदमाश लूट की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं, हत्या की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों पुलिस बौनी साबित हो रही है बदमाशों के सामने? जी आपको बताना चाहिए ये इस तरीके की पहली घटना नहीं है, तो पहले भी कई घटनाएं जो है इस तरीके की हो चुकी है, चाहे वो पूरनपुर हो या जहानाबाद क्षेत्र में भी कई जगह घटनाएं जनपद में हो चुकी है, लेकिन पुलिस की नाकामी यहाँ पर साफ तौर से नजर आती है। आरबीएस की पुलिस उस पर जो है शिकंजा नहीं कर पा रही है, लगातार इस तरह की घटनाएं जो है लगातार होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रांजल। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है जहां पर बदमाश जो हैं वो आतंक का पर्याय बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिन दिहाड़े लूट की घटनाओं का सिलसिला लगातार पीलीभीत में जारी है।
रामपुर और उत्तराखंड की सीमा पर बसे डिबरिया गांव के पूर्व प्रधान कन्हैया मजूमदार को वर्तमान प्रधान के भतीजों ने किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर उत्तराखंड के रुद्रपुर चौकी के पास जमकर पीटा। वहीं स्लाइस पिटाई की घटना का वीडियो मौके पर मौजूदा लोगों ने बना लिया और वायरल कर दिया। वहीं घायल पूर्व प्रधान को ग्रामीण निजी अस्पताल ले गए, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने रामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस बिलासपुर ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी पक्ष वर्तमान प्रधान के मुताबिक पूर्व प्रधान ने शराब पीकर बदतमीजी की, जिसके बाद उनके ही भतीजों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जान से मारने की धमकी के पूरा हमला ही कर दिया एकदम, जान से मारने की उम्मीद थी इनको, तो मैं किसी तरह से निकल के बचा। फिर ऑफिस में आया तो वहाँ भी उन्होंने मेरे साथ में लड़ाई करी। कितने लोग थी? पाँच छः, चार पांच लोग थे। अच्छा, वजह क्या है, किस चीज़ को लेकर? वजह क्या, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये है। किस चीज़ का चुनाव? जो प्रधान का चुनाव, सबसे पहले मैं प्रधान था। मैं इससे कोई साजिश नहीं है आज तक, ना मेरा इसको कोई मतलब है। ये वैसे ही जब मौके पर पहले प्रधान था, हम इसके साथ थे, हमने इसे प्रधान बनाया था। ये नशे में दुत रहता है, कच्ची दारू पीता, तेल मिल की नशे में दुत रहता है। और आज पहले भी जब प्रधान था, पहले भी कई लोगों से, ये पहले भी कई लोगों से पिट चुका था। हम इसे पहले भी बचाते रहे, अब भी बचाते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पिटाई का वीडियो भी है उसमें, और बीजेपी के गुंडे बताया जा रहा है। उसमें कुछ नहीं, ये भी पहले बीजेपी था, इसकी मेरे साथ स्नैप है, मैं भी बीजेपी का हूँ, ये पहले बीजेपी के, बीजेपी मेरे साथ था। ये नशे में दुख था, लोगों से गाली गलौज कर रहा था, इसकी आप इंक्वायरी पूरी करें, ये नशे में दुख था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।